सो गाइस, बॉडी बिल्डिंग में एक बहुत ही बुरी खबर सुनने मिल रही है। बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डर, नामी गिरामी बॉडी बिल्डर सेड्रिक मैकमिलन की मौत हो चुकी है। जी हाँ, सुनने में आया है कि सेड्रिक मैकमिलन की मौत हो चुकी है। अभी फिल हैथ ने अपने अकाउंट पर डाला था कि सेड्रिक मैकमिलन की मौत हो चुकी है। दोस्तों, बहुत ही शॉकिंग खबर है, बहुत अफसोस हो रहा है सुन के। एक बहुत ही बड़े नामी ग्रामी बॉडी बिल्डर, आर्नोल्ड क्लासिक चैम्पियन बॉडी बिल्डर अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। जी हाँ, प्रॉपर क्या किस रीज़न से उनकी मौत हुई है, रीज़न पता नहीं चल पा रहा है दोस्तों, किस वजह से उनकी मौत हुई है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन अभी प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ है किस वजह से उनकी मौत हुई है। दोस्तों, ये बहुत ही शॉकिंग खबर है, बहुत ही अफसोस वाली खबर है। एक बहुत ही बड़े, बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डरों में जिनका नाम आता था, ओलंपिया में टॉप 10 में रहने वाले बॉडी बिल्डर सेड्रिक इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। दोस्तों, बहुत अफसोस वाली बात है। दोस्तों, इस साल आर्नोल्ड क्लासिक में नहीं कंप्लीट किया था इन्होंने, क्योंकि इन्होंने अपना प्रॉब्लम बताई थी कि इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही थी। ये कोई भी चीज़ खा रहे थे तो इनको यहाँ तक के पानी तक डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। इस वजह से लास्ट मोमेंट पर इन्होंने मना कर दिया था आर्नोल्ड क्लासिक खेलने को। तो दोस्तों, इस साल इन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक भी कम्प्लीट नहीं किया था। उससे पहले इनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, तो उसकी वजह से काफ़ी टाइम तक इनकी बॉडी बिल्डिंग भी छुटी थी। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारा स्ट्रगल कर रहे थे अभी हाल फिलहाल में, और उसके बाद ये प्रॉब्लम इनको क्रिएट हुई और सेड्रिक मैकमिलन इस दुनिया को छोड़ के चले गए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।